ये वाली कुर्ती जो मैंने जूडियो से ली थी, ये मेरी पड़ी थी, मैंने राखी के लिए रख ली थी कि आजा आराम से आजा। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। आप कैसे हो? होप आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो गए। सो गाइज, अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है, टाइम हो गया है 7:55। जप्पू चला गया है स्कूल। एक्चुअली क्या था ना, रात को हम लोग मूवी देख के लेट आए ना, तो सोते सोते बज गए 2, और आज बिल्कुल भी मन नहीं था उठने का, बिल्कुल भी। मेरा मन तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा था उठने का, बहुत ही मुश्किल। मैंने जप्पू को उठाया और बस करते करते खींचते 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 टाइम 7:30 मैं नीचे आई हूँ। उससे पहले जप्पू अपना फ्रेश हो गया था, नहा लिया था, बस उसको पटका पहनाना था मुझे उसकी, मतलब जुड़ा करके। तो मैं 7:30 नीचे आई हूँ आके। कहता मम्मा, इसने मेरे को कल ही बोल दिया था, मम्मा मैं राजमा राइस लेके जाऊँगा सुबह। तो उसके लिए फटाफट से मैंने राइस बनाई, राजमा बने हुए थे, राजमा को अच्छी तरह से बॉयल, मतलब उबाला दिलवा के, और फिर उसके बाद मैंने इसको राजमा राइस पैक करके दे दिए। तो अभी जप्पू जा चुका है स्कूल, तो मैं अब करूँगी नीचे का काम। और आज का मेरा टारगेट है, कल मैंने सोफे वाला सेक्शन जो था वो क्लीन कर दिया था, तो मेरा आज का टारगेट क्या है? आज का टारगेट है मुझे एक तो ये एसी साफ करना, ये वाले कर्टेंस चेंज करना, ये वाले एल्युमिनियम का पैनल साफ करना। तो इतना टारगेट मेरा आज तक का है। सोफे मेरे थोड़े बहुत ही हिले हुए हैं, ज़्यादातर तो सेट ही है, क्वेश्चन हिले हुए हैं बस, बाकी चलो चलते हैं। लगेंगे तो काम ख़त्म होगा, अगर बातें ही करती रह जाऊँगी तो काम तो बीच का बीच में ही रह जाएगा रहना। चलो चलते हैं यार, फटाफट से कर लेती हूँ, क्योंकि ये वाला जो टाइम है ना सुबह वाला, इस टाइम पे मैं 1 से 1.5 घंटा फ्री होती हूँ, तो मुझे कोई इश्यू नहीं होता, मैं आराम से काम कर सकती हूँ। बाद में ना जैसे जैसे दिन चढ़ता है ना, वैसे वैसे आलस आना शुरू हो जाता है, होता है ना ऐसे, बताना आप लोग किस किस के साथ होता है। तो मेरे साथ तो होता है, जैसे जैसे धूप लग ज़्यादा आ जाती है और दिन निकलना शुरू हो जाता है ना, वैसे वैसे काम करने का मन ही नहीं होता। पर इस टाइम ये भी होता ना मेरे साथ कि मुझे 11:15 बजे क्लास भी जाना होता है, तो मुझे ये होता है कि मैं उससे पहले पहले काम करके जाऊँ, क्योंकि आके कुछ नहीं होता। तो वैसे मैं सोच रही हूँ मैं अब 12:30 आया करूँगी, तो मैं घर ही आया करूँगी, क्योंकि फिर मेरा नहाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, तो मैं फिर वो बैठी रह जाती हूँ, 2 बजे नहाती हूँ आके, नहा के जाया करूंगी जप्पू को लेने। अरे भाई, मुझे तो लगता है मैं कुछ ज्यादा ही पंक्चुअल हो गई हूँ, 10 बजे भी नहीं है अभी। मुझे लगा डुगू के आने का टाइम हो गया, तो मैंने डुगू के लिए ब्रेकफास्ट भी बना दिया, परांठे पहले ही बना के रख दिए। फोन किया तो डुगू ने काट दिया, मुझे लगता है अभी डुगू रेडी नहीं हुए। तो यहाँ पे मैंने कर्टेंस चेंज कर लिए हैं, पूरे व्हाइट वाले कर्टेंस लगा दिए हैं, और यहाँ के कर्टेंस भी चेंज हो गए हैं, और रिंग लाइट सब साफ कर दिए, पूरा घर सेट हो गया मेरा। सिर्फ मैंने पोछा मारना है, झाड़ू डुगू के जाने से पहले ही लगा देती हूँ, कि ताकि ना बिल्कुल घर से डुगू निकले तो झाड़ू ना ही लगाऊं। तो अभी ब्रेकफास्ट भी डुगू के लिए रेडी कर दिया है यहाँ पे, ये देखो राजमा के साथ पराठे रेडी है डुगू के, कुच्चू मुच्चू वाले। और साथ में आज मैंने डुगू के लिए बनाया है रूबजा वाला वाटर बनाया है। तो अभी डुगू आ रहे हैं, फिर देती हूँ उनको ब्रेकफास्ट। गुड मॉर्निंग बसंत पंचमी, गुड मॉर्निंग बसंत पंचमी। ऐसे सारे से मुंह से क्यों बोल रहे हो? कितना गंदा सा मुंह बना रहे हो डुगू सुबह सुबह, ऐसे तो नहीं है मुंह। क्या ही कर रहे हो डुगू, एक बार भी तारीफ भी नहीं करते हो, घर की सफाई करती हूँ मैं सुबह सुबह। अच्छा, इसीलिए चिड़ हो रही है कि मैं सुबह घर का काम कर रही हूँ और ऊपर नहीं गई, तब भी मैं बोलूँ मुंह क्यों? ये क्या मतलब है डुगू, सुबह सुबह मैंने बाद में क्लास जाना था, थोड़ी एक्स्ट्रा वाली सफाई कर रही हूँ, इसलिए लगी हुई हूँ 2 दिन से। देखो यार मुंह कैसे बना बंदेगा, मुझे पता ही नहीं किस लिए मुंह बना है। तो अभी मैं जाने लगा हूँ, और यहाँ पर अभी भी इसकी काम खत्म नहीं हुआ, अभी बर्तन में लगी हुई है। आप खुद तो गाने सुन रहे हैं, गाने सुन रहे तो क्या हुआ, अभी भी बर्तन धो रही है, सुबह से लगी हुई, मेरा दिमाग खराब कर दिया इसने। चलो जा रहा हूँ, करने में कौन सा दिमाग खराब, जा रहा हूँ मैं भाई। सो गाइज, जप्पू स्कूल चला गया, डुगू अपने काम पे, मैं अपनी क्लास जा रही हूँ। हो सकता है शायद आज भाभी आए, हो सकता है बिकॉज भाभी आई हुई है रहने अपने मायके, तो कंफर्म तो नहीं है, पर अगर आई तो व्लॉग में आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगी, और नन्नू भी मिलेगा। तो फिलहाल मैं क्लास से होके आती हूँ। सो गाइस, अभी मैं आई हूँ नंदनी भाभी भाभी तेल चोरी सच सच
हेलो गाइस, ये देखो नंदनी भाभी का घर। वाहेगुरु जी, मुझे लगता मैं तो खुद ही, मुझे लगता मैं 7-8 महीने के बाद आई हूँ आपके घर। एक साल के बाद मैं नंदनी भाभी के घर आई हूँ। हेलो, क्या अच्छी हो? कोल्ड, गला खराब। भाभी के घर पे डॉगी था इसलिए नहीं मैं आती थी, नहीं तो पहले तो मैं आ ही जाती थी। डॉगी दे दिया भाभी ने, तो आज मैं क्लास से वापसी आते भाभी के घर पे ही आ गई हूँ। बैठती हूँ, थोड़ी देर बात करूँगी, फिर जप्पू को लेने जाऊँगी। ये देख लो गाइस, क्लास से होके आई हूँ, पर क्लास में कुछ करके नहीं आई क्योंकि कोई आया ही नहीं था, दो ही थे, मैं और अर्श की मम्मा। तो फिर हम मैम से बातें करके ही आ गए, तो अभी पेप्सी लेके आई हूँ, पेप्सी दी है भाभी ने मुझे। सो गाइस, इतनी तेज वाली नींद आ रही है ना, और दिल कर रहा था सो जाऊँ पर सो सकती नहीं क्योंकि जप्पू को लाने का टाइम है, और बिल्कुल जप्पू को लाने का टाइम था। तो भाभी ने दिया है मुझे सरप्राइज़, ये देखो बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉप भाभी मेरे लिए लेके आई थी, मेरा बर्थडे का गिफ्ट। भाभी हर साल आती हैं, हर साल भाभी मेरे बर्थडे पे आती हैं, पर इस बार नहीं आई थी क्योंकि भाभी बीमार थी इसलिए भाभी नहीं आई। तो थैंक यू, पसंद आया तभी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच, प्यार से दी हुई एक छोटी सी चीज भी बहुत अच्छी होती है। थैंक यू, बाय बाय। कब आओगे? जल्दी, ये नहीं पता कब, पर जल्दी। चलो ठीक है गाइज, मेरे जप्पू का टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ स्कूल उसको लेने। सो गाइज, आज हम जा रहे हैं अर्श की मम्मा के साथ स्वयं रिक्शा पे, और इसको तो ये मिल जाती है ना, पागल ही हो जाता देख के, है ना? उसको मांगो मेरी ऑरेंज। सो गाइज, नहा लिया है पर मैं रेडी नहीं हुई हूँ, शाम को रेडी होंगी क्योंकि आज फिर से मार्केट जाना है, कुछ सामान लेना है, और लंच कर लिया, भूल ही गए व्लॉग बनाना। चलो मैं बता ही देती हूँ, हम लोगों ने राजमा राइस खाए हैं, और कल राजमा बनाए थे पर राजमा राइस आज यम्मी लग रहे थे, इतने ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे ना, ख़त्म ही हो गए, और खा सकते थे जप्पू भी और मैं भी, है ना? तो अभी यहाँ पर ट्यूशन के सारे बच्चे आ चुके हैं। हेलो गाइस, सब अपना अपना पढ़ेंगे, और मैं बैठी हूँ इनको पढ़ाने के लिए, बीच बीच में मुझे नींद भी आ सकती है, पर सोना अलाउड नहीं है क्योंकि बहुत सारा सिलेबस तैयार कराने के लिए। तो चलो लगते हैं अपने अपने काम पे। सो गाइस, बेचारा बच्चा इतना थक गया है कि पढ़ते पढ़ते यहीं पे ही सो गया, सोते सोते हुए इतना शरीफ लगता ना, इतना शरीफ ये है नहीं, है ना तृप्ति? नहीं है ना, पक्का नहीं है बिल्कुल भी। सो गाइज, लिटिल बिट में रेडी हो गई हूँ और मार्केट जा रही हूँ क्योंकि कुछ सामान लेना है, जब वो अभी अभी जस्ट सो के उठा है। हेलो गाइज, और क्या मोटे पड़ता पड़ता सो गया था, तो मैं मार्केट जा रही हूँ, मुझे थोड़ा बहुत सामान लाना है, तो क्योंकि रात को जब तक डुब्बू आते ना तब तक बिल्कुल लेट हो जाता है, फिर ढंग से कुछ दिखता ही नहीं है मार्केट में, तो इसलिए मैं मार्केट जा रही हूँ। अब देखती हूँ क्या क्या लूँगी जाके। तो गाइज, अभी पहुँच गई हूँ तिलक नगर मार्केट। एक्चुअली ना प्रिया के लिए कुछ और लेना था क्योंकि उस दिन तो कुछ समझ आ नहीं रहा था, तो एक पर्स ही लिया था। मार्केट में रश देखो यार फेस्टिवल का। अभी घर पे आ गई हूँ, थक गई हूँ, भागी भागी आ गई, पर मुझे जो प्रिया के लिए चाहिए था वो मैंने ले लिया है। अरे यार कितनी सांस लेट रही है। वो मैंने ले लिया प्रिया के लिए, और मैं ना एक्चुअली क्या है ना, मतलब इसमें वो नहीं करने वाली हूँ, दिखाने नहीं वाली हूँ आपको कि मैंने क्या लिया, ले लिया बस, बहुत अच्छा सा है। वो सेम चीज़ मैंने अपने लिए भी मंगवाई है क्योंकि उनके पास एक ही सिंगल पीस था और उसका एक्सल साइज था, मुझे डबल एक्सल आता है, तो मैंने वो मंगवाया उनसे। मैं खुद आपको दिखा देती हूँ, मैं अपने लिए भी कुछ लाई हूँ, पेंडिंग चल रही थी मेरी चीज़ काफ़ी दिन से, मार्केट चक्कर नहीं लग रहा था इसलिए आ नहीं पा रही थी, तो फाइनली प्रिया का काम तो हो गया पूरा। ये वाली कुर्ती जो मैंने जूडियो से ली थी, ये मेरी पड़ी थी, मैंने राखी के लिए रख ली थी कि मैं राखी पे पहनूंगी, तो इसके साथ की चुन्नी और लेगिंग लेने वाली थी तो मैंने ले ली है, तो इसको मैं राखी वाले दिन वियर करने वाली हूँ। माय गॉड यार, नीचे उतरती हूँ इतना फिर भी पतली नहीं होती मैं, तीसरा चक्कर है नीचे फिर उतर रही हूँ। डुग्गू आ गए हैं, अभी जा रहे हैं फिर से नीचे लाउंज मारने। सो गाइस, अभी हम आए हैं ट्रेड फेयर में। मेरे को क्या दिखा रहा है? हेलो गाइस, हेलो गाइस, यहाँ पे गाइस ट्रेड फेयर दिखा, मेरे को तो रोज ही दिखाता है ट्रेड फेयर। सो गाइस, अभी हम आए हैं दिल्ली के पश्चिम बिहार के ट्रेड फेयर में, और डुग्गू जा रहे हैं आगे आगे। मे बी ओ टिकट घर है, यहाँ पे एंट्री फीस है, जाके देखते हैं कितने रुपए है एंट्री फीस।
कितने रुपए है एंट्री फीस? अभी पापा बोल रहे थे 50। मेरे को क्या लूटेंगे, ना मैंने 30 देने ना 50। मजा तो तब आए जब आप वो सामने झूला। मैंने अभी जीना है, मैंने मरना नहीं है अभी। वो जो मेरे को मर रहे हैं और क्या, चीखे देखो उनकी। फिर आप भी ऐसे चीखे मार। मैं नहीं मारता तो चलो चलो एक बस। नहीं मैं नहीं लेगा, चलो। तो यहाँ पे ये देखो बड़ा कुछ है, पर हम लेंगे नहीं क्योंकि इतने पैसे मैं नहीं लगाऊंगा। आप देखते रहो, देखने के कोई पैसे नहीं है। सेल लगी है 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। देखने के कोई पैसे नहीं है, देखने के कोई पैसे नहीं है। देखी जाओ देखी जाओ, देखी जा छेड़ी ना, देखी जा छेड़ी ना, देखी जा छेड़ी ना। अरे सॉरी, ये वाला झूला लो तुम। ये आप लोग, ये मैंने और निशा ने लिया था जुरासिक पार्क में। नहीं मैंने नहीं लेना, मुझे डर लगता। तुम ले लो, मैं मना कर रहा हूँ। कोई तो जप्पू और मैं ये लेने की सोच रहे हैं। ये बहुत बढ़िया लगता है मेरे को। इसमें कोई रिस्क ना हो ना, वो चीजें करते हैं डुकू। ये जा रहे हैं गाड़ी चलाने भाई। अब ये वाला लो। नहीं अकेले नहीं, मती लिया करो ना झूले जब आपका सिर घूम जाता है तो। आज घूमा पहली बार, अब रसने की जरूरत पड़ी है झूला लेते। पूरी गाड़ी घुमा दी थी, है हमने पूरी गाड़ी घुमा दी थी। मजा आया था ना? तेरा भी सिर घूम रहा है, तू क्यों पी रहा रसना? अभी हम खाएंगे पिज्जा। पिज्जा पिज्जा कौन सा पिज्जा लगवाया? हाँ जी कैसा? एक नंबर। शुक्र है भैया ने 6 पीस किए हैं, 12 पीस करते ना मेरे से खाए नहीं जाते। अभी जप्पू लेकर ये वाला झूला कोलंबस इसके पीछे पड़ा हुआ था। तो अब जप्पू जा रहा है यहाँ पे कोलंबस में। अभी तक तो अकेला है, तो देखो अब कोई आता कि नहीं आता साथ में। पूरा झूला जप्पू के लिए हमने बुक करा दिया है, पूरा झूला बुक करा दिया हमने जप्पू के लिए। भैया तेज कर देना जितना तेज कर सको। क्यों आराम से भैया, तेज करो तेज। तो हरलीन यहाँ पे झूल नहीं रही, हरलीन खड़ी है यहाँ पे और यहाँ पे जप्पू को लगा दिया है। ये बार बार कह रही है और तेज करो कितना तेज करे, डर जाएगा बच्चा। अब तुमने कुछ झूलना के चले, अब है तुमने झूलना के चले। यहाँ पे भैया देखो लगा हुआ है, वो मम्मी मम्मी कर रहा है। तो यहाँ पर लोग जो झूले झूल लेते हैं ना, ये नहीं कि सारे सही रहते हैं, कईयों को उल्टी भी होती है। ये देखो ऐसे करते हैं फिर वो। तो जप्पू झूल चुका है चीखे मार मार के। आजा आराम से आजा। कैसा लगा जप्पू, कैसा लगा? सही लगा। चलो तो अभी यहाँ पर आए जप्पू का, यहाँ पे करवा रहे हैं डांस। तो ये जप्पू जा रहा है स्टेज पे, हर रोज यहाँ पर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ आ जाए यहाँ पे। हाँ जी सरदार जी, किवे हो? बढ़िया। और जी नाम की है? जप्पू सिंह जी। जप्पू सिंह। जप्पू सिंह की कर रहे? ब्लॉगिंग भी कर रहे?
ओके तालियां भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए सरदार जी के लिए ब्लॉगिंग करते तो तुम्हें तो जोड़ा तो डाल चैनल है और नाम दस दो थोड़ा जहा प्रमोशन हो जाऊंगा जमनूर ब्लॉग्स ओके तो किस चीज पे ब्लॉग्स बनाते हो आप डेली ब्लॉगिंग मतलब घर की क्या क्या चल रहा है घर में क्या कलेश हो रहे हैं ऐसी वैसी तो कितने सब्सक्राइबर है आपके पास 7.52K जोड़ा तालियां होनी भी एक बार छोटे से बच्चे के लिए क्या बात है यार इन्होंने इतने सारे सब्सक्राइबर बना लिए हैं हमारा तो चैनल बनाया था एक बार उसको आगे ही बढ़ाया दो चार वीडियो डाली थी फिर उसके बाद खत्म कर दिया मैंने तो क्या परफॉर्म करेंगे आप पंजाबी भंगड़ा कौन से गाने पे चल मेले नो चलिए हाँ तो गए मेले और कितना जाओगे कौन कौन आया था डेरा कौन आया था डेरा चलते हैं ये अच्छा अच्छा वो सामने बैठे हुए हैं पापा जी के नाल हेलो सर कैसे हो हेलो मैम ओके और कोई नहीं आया नहीं खाने में क्या पसंद है आपको राजमा चावल तभी तू ऐसा है अगर जोरदार तालियां एक बार इस प्यारे से राजकुमार के लिए रीजे ओके तो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप फिफ्थ क्लास में बनना क्या चाहते हैं बड़े होंगे बिजनेस मैन है ना शुरुआत इसने यूट्यूब से कर ही दी है बाकी आगे जाके अपने आप बन जाएगा बिजनेस मैन तो यूट्यूब से अर्निंग होती है कुछ थोड़ी बहुत कितनी फिर दस्ता नहीं यार कितनी हो जल्दी यार अच्छा 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 ब्लॉगिंग तुम्हें करो मेहनत सारी तुम्हें करो तो हिसाब के साथ सारा पापा को पता है अच्छा एडिटिंग पापा करते हैं फिर वो कभी मतलब आपको खर्चा पानी देते हैं देते हैं थोड़ा बहुत जप्पू अपने डांस से एक राइड तो फ्री कमाल आया कि जप्पू को एक राइड फ्री मिलेगी राइड पास जप्पू जा रहे हैं इसके अंदर ये वाली राइड लेगा फ्री में वैसे 100 रुपीज की है चलो 100 रुपीज का टोकन तो कमा के आया चल अंदर चल जा अंदर दे दे
तो अब यहाँ पे चप्पू को बिठाया है, अकेले जाएगा इसके ऊपर, पकड़ के बैठियो। तो अभी चप्पू की शक्ल देखना आप इसके अंदर। मेरे को ये साइड से ऊपर चला गया। यहाँ से ऊपर पहुंच गए इतनी, हाँ पता मुझे, एकदम से नीचे गिरेगा ये। और चप्पू भी रोएगा, चप्पू की शक्ल देख रहा। तो चप्पू डर लगा कि नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं लगा। वेरी गुड, तू भी कह रहा था इसमें लूंगा इसमें लूंगा। हमें देखने में मजा नहीं आया, तेरे को लेने में कहाँ से आएगा? वो दूसरा होता है। So guys, मेला घूमा है हम लोग, और उसके बाद एक घंटा मेरी सिस्टर के घर पे भी गए थे। वहाँ जाके व्लॉग नहीं बनाती क्योंकि ना बातें बातें कर लेते हैं, और बोलते तो गाइस जुगू का पेट नहीं भरा। ये देखो आ गए अपनी फेवरेट प्लेस तड़का किंग पे। हाँ जी, क्या भूख लग गई फिर से? मैं क्या थोड़ा बहुत कुछ खा लें फिर सोए जाके। पेट के कीड़े फिर कहेंगे तंग करते हैं मैंने कीड़े, चिकन वाले कीड़े। चलो फिर आज वीडियो आप ही एंड कर दो यहीं पे। तो हमारी आज की वीडियो आज का बस यहीं तक का था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तब भी शेयर लाइक, नहीं लगे तब भी शेयर लाइक करो। और जल्दी जल्दी 10,000 फॉलोवर्स करवा दो, सब्सक्राइबर्स करवा दो हमारे, बहुत मेहनत कर रहे हो। जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। किसने बोला आप मेहनत कर रहे हो? सब कहते हैं मैं मेहनत कर रहा हूँ। आपकी तो मेहनत भी डबल मीनिंग होती है। लोग गलत ले लेते हैं मतलब। हाँ, लोग गलत लेते हैं, आप सही हो। मैं बिल्कुल सही हूँ, पवित्र, बिल्कुल पवित्र रिश्ता के जैसे। और क्या, चलो फिर टाटा बाय बाय करो। बाय बाय, टाटा बाय बाय। Thanks for watching. I will see you next vlog. Tata, bye bye.